तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ तीन ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं थ्री वे बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी की बैटरी को सेव कर पाएंगे या फिर बोल सकते हैं उसको पूरा दिन वर्किंग में कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी सैमसंग टिप्स आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। सबसे पहली जो टिप है, या बोल सकते हैं सबसे पहला जो टिप है, वो ये है आपको क्या करना है। जितनी भी बैकग्राउंड में ऐप रनिंग में है, आपको सबको क्लोज करना है। कोई भी बैकग्राउंड में ऐप नहीं चलनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन पे, अगर आप वाईफाई नहीं चला रहे हैं तो वाईफाई को ऑफ कर दीजिए, ब्लूटूथ नहीं चला रहे हैं तो ब्लूटूथ को ऑफ कर दीजिए, लोकेशन की आपको जरूरत नहीं है लोकेशन ऑफ कर दीजिए, ऐसे ही अननेसेसरी जो भी चीज़ें ऑन है उन सबको आपको ऑफ करना है। ये भी बहुत ज़्यादा बैटरी खाती हैं, इन सब चीज़ों को आपको ऑफ कर लेना है। इसके बाद एक चीज़ और करना है, इसी के अंदर आपको जाना है यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ आप चाहें तो प्ले स्टोर में भी जा सकते हैं या फिर अगर आप डिवाइस केयर में भी जा सकते हैं। मैं आपको प्ले स्टोर में जाके बताता हूँ। प्ले स्टोर में जाना है, मैनेज ऐप्स है उसमें जाना है या मैनेज ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर आपको रिसेंट अपडेटेड दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर आएगा लीस्ट यूज, यहाँ पर ये लिस्ट यूज मिलेंगी, ये जो ऐप्स हैं जिनको आपने यूज ही नहीं करा, अननेसेसरी आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है तो बैक में यूज भी होती होंगी कभी, या कोई ना कोई प्रोसेस एक्टिवेट भी होती होंगी और ये आपकी मोबाइल की मेमोरी भी खाती होंगी। तो इनको, इनमें से आपको लगता है जो ऐप बिल्कुल ही बेकार है, आपको सबको उठा के अनइंस्टॉल कर लेना है। इससे भी आपकी बैटरी काफ़ी हद तक सेव होती है। जो सेकंड टिप है दोस्तों, वो ये है कि आपको अपने मोबाइल का जो ब्राइटनेस है उसको नॉर्मल मेंटेन करके रखना है या फिर उसको ऑटो पे आपको करना है। आपको जाना है यहाँ सेटिंग पे, डिस्प्ले पे जाने के बाद आपको इसको यहाँ पर सेट कर लेना है और उसको ऑटो ब्राइटनेस पे सेट कर लेना है ताकि ऑटोमेटिक नेटवर्क के हिसाब से रहे, जिससे आपकी थोड़ी सी बैटरी सेव हो। बट ये ऑटो में थोड़ी बैटरी खाता भी है, बट यहाँ पर अगर आप नॉर्मल कर देंगे तो आपकी बैटरी यहाँ पर सेव हो जाएगी। और एक चीज़ और, आप यहाँ पर डार्क मोड जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उससे भी आपकी बैटरी सेव होती है। डार्क मोड आपको यहाँ पर यूज़ करना है और साथ में बैकग्राउंड में भी डार्क वॉलपेपर लगाएंगे तो उससे भी बैटरी आपकी सेव होगी, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भी ये जो लाइट लाइट कलर आता है वहाँ पर पिक्सल चलते हैं, इसके अंदर पिक्सल्स होते हैं, उतने ही पिक्सल वहाँ पर चलेंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल वहाँ पर वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बैटरी ड्रेन होगी। तो आप वहाँ पर ब्लैक वॉलपेपर लगाएं और ब्लैक स्क्रीन, मतलब डार्क स्क्रीन करें ताकि आपकी वहाँ पर बैटरी काफ़ी हद तक सेव हो पाए। तो सेकंड टिप्स ये जो मैं टिप बताने वाला हूँ बिल्कुल नॉमिनल टिप है यार, बेसिक्स टिप, ये आदमी को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वाला नहीं है कि आपको यार ऐसा करना हो वैसा करना हो, बिल्कुल बेसिक टिप्स है, ये आदमी कोई भी इजिली फॉलो कर सकता है। और ट्रिक क्या बोल सकते हैं, लास्ट जो ट्रिक है वो भी बहुत ही कमाल की। अगर आपकी बैटरी ज़्यादा स्पीडली चली गई है और आपको ज़्यादा देर तक इसको यूज़ करना है तो आप इसमें एक चीज़ और यूज़ कर सकते हैं, वो है पावर सेविंग मोड। ये सेविंग मोड भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपको बहुत ही अच्छी आपकी बैटरी सेव करता है। बट इसको मेरे हिसाब से आपको हमेशा यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत ही रेयर केस में कहीं आप फंस गए हो और आपके पास वहाँ पर बैटरी चार्ज करने की वो पॉसिबल नहीं कि आपका मोबाइल वहाँ चार्ज हो पाए, तो आप उसका यूज़ करेंगे तो आपकी बैटरी बूस्ट हो जाएगी और अच्छे तरीके से फ़र्क होगी। क्योंकि बैटरी सेविंग में जब काम करता है या पावर सेविंग में आप जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क बंद हो जाता है, CPU बंद हो जाता है 70% के ऊपर काम करना, डिक्रीज ब्राइटनेस 10% तक रहती है, 5G बंद हो जाता है और लिमिट ऐप आप होम स्क्रीन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आपको इसको भी यूज़ करके अपनी बैटरी को सेव कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल है, इसको मेरे हिसाब से आपको हमेशा की तरह नहीं करना चाहिए, इसको कभी कभी केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक लास्ट टिप, या बोल सकता हूँ एक ऐसी बता रहा हूँ बोनस टिप, उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है सैमसंग मेंबर ऐप में। सैमसंग मेंबर ऐप में जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर जाना है यहाँ पर जाना है आपको सपोर्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ मिलेगा आपको डायग्नोसिस वाला ऑप्शन, यहाँ जाना है व्यू टेस्ट पे और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल की बैटरी को सेलेक्ट करना है। ये मिलेगा सबसे लास्ट में बैटरी स्टेटस, आपको उस पर क्लिक करना है। ये बैटरी का स्टेटस चेक करेगी, बताएगी कि आपके मोबाइल की बैटरी कौन सी है और कितने परसेंट आपकी वैल्यू अभी, मतलब बैटरी सही है या नहीं। अब यहाँ पर आपको बैटरी का स्टेटस नॉर्मल बता रहा है, मतलब आपकी बैटरी अभी वर्किंग कंडीशन में और लाइफ उसकी गुड है, तो आपको ये भी चेक करते रहना है। इससे भी आपके मोबाइल की बैटरी की ड्रेनिंग की शिकायत हो सकती है। ये थोड़े बहुत मैंने आपको टिप्स बताए, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू।
तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है तो मेरी कुछ कमी तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।